नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात आज जानेंगे इस लेक्चर में, भारत में जो श्रम कानून है उसके सभी पक्षों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल होंगे सभी के जवाब मिल जाएंगे। बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम के 44 साल बीत गए, कर्नाटक अभी भी बड़े पैमाने पर इस समस्या से परोक्षतया ग्रस्त है। इस प्रकार की समस्या भारत में श्रम कानून के विश्लेषण की आवश्यकता को जन्म देती है। हालिया विकास की बात करें इस पर, तो जुलाई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेज कोड विधेयक को मंजूरी दी है, जो श्रमिकों के श्रमिक से संबंधित 13 मौजूद कानूनों को कम करने और केंद्र को गैर संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में सरकार ने 4 कोड पेश किए जो 44 श्रम कानूनों को लागू करेंगे, जैसे कि औद्योगिक संबंध, दूसरा है मजदूरी, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा और फोर्थ नंबर पर है चौथ सुरक्षा, कल्याण और काम करने की स्थिति। यह विभिन्न श्रम कानूनों के कवरेज में एक रूपता के लिए अनुमति देगा। विधेयक से देश भर के 50 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। वर्तमान श्रम कानूनों की बात करें तो इस समय देश में 4 श्रम कानून है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, दूसरा है मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान, तीसरा है बोनस अधिनियम 1965 का, चौथा है निर्वाह पारिश्रमिक अधिनियम 1976। वर्तमान श्रम कानूनों की चिंता की बात करें तो कानूनों की बहुलता श्रम संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में है। याद रखा, श्रम जो है ये संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में है। ठीक है, 40 से अधिक केंद्रीय कानूनों और लगभग 100 राज्य कानून देशों में श्रम कल्याण के विभिन्न विषय को नियंत्रित करते हैं। यह स्थिति कानून का भ्रम और बहुलता पैदा करती है। मजदूरी का मुद्दा की बात करें तो मजदूरी हमेशा श्रमिकों और उद्यमियों के मध्य केंद्रीय चिंता रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को कवर नहीं करते हैं। इसके साथ ही मजदूरी कम बदलाव भी चिंता का कारण है। फिर क्षेत्रीय अंतर, विभिन्न राज्यों में एक ही व्यवसाय के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी, सबसे कम और उच्चतम न्यूनतम मजदूरी के मध्य भी अंतर अत्यंत विस्तृत है। यह बेहतर भुगतान करने वाले राज्यों में प्रवास श्रम के संकट के कारण एक कारण है। फिर बात करते हैं हम लोग लिंग संबंधी भेदभाव। न्यूनतम मजदूरी डेटा का विश्लेषण भी एक प्रणालीगत लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, सुरक्षा गार्ड हेतु पुरुष प्रधान नौकरी, घरेलू कामगार हेतु महिलाओं की नियुक्ति है। फिर बात करें सामाजिक सुरक्षा का अभाव, पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु कानून नहीं है। फिर नीतिगत विरोधाभास, सभी 4 कानून 1991 से पहले स्थापित किए गए थे। श्रम कानून सुधारीकरण के पूर्व की मानसिकता के अनुसार संचालित होते हैं, उद्योग LPG मानसिकता के अनुसार विनियमित होते हैं या नीति विरोधाभास पैदा करती है। विधेयक के महत्व की बात करें हम लोग, विधेयक के महत्व, यह श्रमिक की स्थिति में सुधार करता है। मजदूरी श्रम संहिता में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, यह पूरे देश में एक समान जीवन स्तर लेकर आएगा। नियमित कर्मचारियों के साथ अनुबंधित श्रमिकों का सम्मान किया जाए जिससे उनका जीवन गरिमामय हो। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की स्थिति में भी सुधार होगा। यह ओवर टाइम वेतन को सामान्य वेतन से 2 गुना अधिक निर्धारित करता है। यह विधेयक किसी भी रोजगार के क्षेत्र में संलग्न सभी श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। क्षेत्रवाद को कम करता है। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय फ्लोर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा जो हर 5 साल में संशोधित किया जाएगा, जबकि राज्य अपने क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे जो कि फ्लोर मजदूरी से कम नहीं होगी। यह प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी असमानता को कम करने में मदद करेगा।
बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बिल में मजदूरी के भुगतान के तरीके के रूप में डिजिटल मोड चेक के लिए जाने की उम्मीद है, यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, इससे अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण भी होगा। सजा, कोड के तहत जो नियोक्ता कम भुगतान करते हैं उन्हें 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अगर इसमें कोड के तहत जो नियोक्ता है अगर वो कम भुगतान करते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये का जो जुर्माना देना होगा। यदि कोई नियोक्ता 5 साल के भीतर अपराध को दोहराने का दोषी है तो दंड में 3 महीने तक का कारावास और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। जो नियोक्ता संहिता के किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन नहीं करते हैं उन्हें 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यदि कोई नियोक्ता 5 साल के भीतर फिर से उसी अपराध का दोषी है तो दंड में 1 महीने तक का कारावास और 40,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल है। इसमें बात करें प्रौद्योगिकी की भूमिका। प्रौद्योगिकी की मजदूरी के आसपास सूचना के प्रसंस्करण के साथ अनुपालन पर नजर रखने में दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेटवर्किंग तकनीकी श्रम के आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा प्रदान कर सकती है। श्रम कानून और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसार के साथ सहायता और लागत कम करने और पारदर्शिता में सुधार कर सकती है। अब बिल में जो चिंताएं हैं समझ उन्हें भी देख लेते हैं। कार्यान्वयन पर अनिश्चितता। यह विधेयक विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। इस संदर्भ में 2 प्रश्न उठते हैं, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के लिए तर्क, दूसरा क्या केंद्र सरकार को एक या कई राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करना चाहिए। दूसरा है लैंगिक विभेदन पर समस्या। सहिष्णुता मजदूरों से संबंधित मामलों में लिंग भेदभाव पर रोक लगाती है, लेकिन इसमें भर्ती के दौरान भेदभाव से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं है। फिर है निरीक्षण समस्या। कोड निरीक्षण के रूप में लेवल सुविधा और वेब आधारित पारदर्शी और जवाबदेही निरीक्षण और एक उत्तरदायी अभियोजन प्रणाली के लिए प्रदान करता है, लेकिन मजदूरों के बीच डिजिटल साक्षरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है जो एक बेहद अनिश्चितता को दर्शाती है। फिर क्रोनिक कैपिटलिज्म का प्रभाव। उद्योगपति और राजनेताओं का गठजोड़ इस कोड के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाधा उत्पन्न करता है। केंद्र सरकार की पूर्व पहल की बात देखें तो विधायी पहल। बोनस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोनस पात्रता सीमा को 10,000 प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 प्रति माह करना। वेतन का भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 में कर्मचारियों को नकद या चेक द्वारा मजदूरी का भुगतान करने या अपने बैंक खाते में जमा करने में सक्षम बनाता है। पर बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है। फिर मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया। कर्मचारी मुआवजा संशोधन अधिनियम दंड को युक्ति संगत बनाने और अधिनियम के तहत श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास करता है। फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी संशोधन अधिनियम 2018 केंद्र सरकार को इस तरह की राशि के लिए ग्रेच्युटी की सीलिंग सीमा को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम नम्यता प्रदान करता है, जिसे समय समय पर अधिसूचित किया जा सकता है तथा यह निरंतर सेवा की गणना को बढ़ाने के उद्देश्य से भी प्रयुक्त हो सकता है। महिला कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी जो इस तरह की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश पर है जिन्हें समय समय पर अधिसूचित किया जा सकता है 29 मार्च 2018 को वीडियो अधिसूचना ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। बात करें शासन सुधार की तो मंत्रालय ने विभिन्न श्रम कानूनों नियमों 2017 के तहत रजिस्टरों को बनाए रखने के लिए अनुपालन में आसानी को अधिसूचित किया है, जो 21 फरवरी 2017 को 66 रजिस्टरों प्रपत्रों को बदल दिया गया है जो 9 केंद्रीय
केंद्रीय कानूनों और नियमों के तहत 5 सामान्य रजिस्टरों फॉर्मों के तहत बनाए गए हैं। यह प्रयासों को बचाएगा लागत और विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन बोझ को कम करेगा। उचित संशोधन के साथ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मॉडल सॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट RER और CS विधेयक 2016 परिचालित किया गया है। उक्त बिल पर परस्पर खुलने बंद करने के समय पर भी किस प्रतिबंध के बिना एक वर्ष में 365 दिनों के लिए एक प्रतिष्ठान संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने पर नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं के रोजगार को सक्षम बनाता है। औद्योगिक रोजगार स्थायी अधिनियम 1946 के तहत सभी वैधानिक लाभों के साथ सैनी अर्थात फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को सभी सेक्टरों में बढ़ा दिया गया है, जिससे रोजगार को उतार चढ़ाव की मांग को पूरा करने के लिए रोजगार स्थापित करने के लिए नम्यता स्थापित किया जा सके। स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 द्वारा इसे विस्तृत किया गया है। मंत्रालय ने निरर्थक और अतिव्यापी क्षेत्रों की समीक्षा करके 36 में से 12 तक 3 केंद्रीय अधिनियमों नियमों के तहत फॉर्म रिटर्न की संख्या में कमी के लिए कुछ श्रम कानून नियमों 28 मार्च 2017 के तहत रूपों और रिपोर्टों के युक्तिकरण को अधिसूचित किया है। यूनिफाइड वार्षिक रिटर्न्स मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बोनस अधिनियम की भुगतान 1965, श्रम सुविधा पोर्टल पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इन केंद्रीय श्रमिक अधिनियम के संबंध में एकीकृत वार्षिक रिटर्न में अनिवार्य किया गया है। आगे के रास्ते की बात बताएं, आगे क्या हो सकता है इसमें। जब हम देश की आर्थिक प्रगति के बारे में बात करते हैं तो ये अंततः देश के लोगों के लिए है और नियमों और विनियमों के लोगों के कल्याण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में लिया जाता है, जबकि जन कल्याण ही अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो ये था आपका भारत में श्रम कानून से संबंधित जो प्रावधान थे वो सभी देख लिए, ठीक है।